हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। और सब कैसे हैं आप? तो गुड मॉर्निंग। आज हमारे यहाँ बहुत ही धूप निकली है, झांसी में तो बारिश होती नहीं है, पता है आपको। और देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर बिनका का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने आज ये वीडियो अपनी जेट प्लांट की कटिंग दिखाने के लिए बनाया है कि हम जेट प्लांट की कटिंग कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ ये धूप, दिखाते हैं आपको कितनी तेज़ धूप निकली है। और ये कुछ फ्लावरिंग हो रही है अच्छे से, तो फ्लावरिंग तो चलती रहती है गार्डन में और अच्छे से भी हो रही है। अभी पानी नहीं डाला मैंने क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग रही है, इसलिए पानी तो नहीं डालना है। बट मैंने सोचा थोड़ा सा चलो जेट प्लांट की कटिंग जो रखी थी बहुत सारी, तो उसकी कुछ कटिंग लगाई जाए। जेट प्लांट की कटिंग आप इजीली लगा सकते हैं और दोस्तों बहुत ही इजीली लग जाती है। तो हमें कैसे लगाना है जेट प्लांट की कटिंग, तो आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये इसकी कटिंग भी लग जाती है दोस्तों, तो इसकी कटिंग मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, कभी वीडियो बना दूंगी। और क्या नाम, हमें जेट प्लांट की कटिंग लगानी है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और आज जुलाई की 19 तारीख है, तो 19 तारीख हो गई है और हमारे यहाँ अभी भी बारिश नहीं हो रही है, कभी कभी हो जाती है थोड़ी बहुत, बस बाकी तो नहीं होती है। और मैंने अभी कुछ सीड ग्रो किए हैं और मैंने ये अभी इसका ये रिपोर्टिंग भी कर लिया है, क्योंकि मैंने कुलिस की कटिंग लगाई थी, वो बहुत जल्दी रिपोर्ट क्या नाम से जड़ निकल आई है, इसकी रूटिंग बहुत अच्छे से हो गई है, तो ईजिली लग जाती है इसकी कटिंग। तो मैं आपको ये सब ना दिखा के जेट प्लांट की कटिंग दिखाती हूँ जो मैंने कटिंग की थी। तो दोस्तों ये हमारी जेट प्लांट की कटिंग, देखिए कितनी सारी कटिंग्स रखी हुई है। और मुझे इतनी सारी नहीं लगानी है दोस्तों, थोड़ी ही कटिंग लगानी है क्योंकि बहुत सारे प्लांट हो रहे हैं जेट प्लांट के। तो ये देखिए मैंने ये कुछ कटिंग निकाल ली है, तो आप इसकी सॉफ्ट कटिंग भी ले सकते हैं, ये ऐसी कटिंग भी ले सकते हैं, और छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी ईजिली लग जाती है दोस्तों, तो बहुत जल्दी से इसकी रूटिंग हो जाती है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, बस मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, थोड़ी सी मिट्टी गीली हो जाएगी। तो हमें इसको कटिंग को कैसे लगाना है दोस्तों, बस ये ऐसे कटिंग लगा देनी है और इसको हमें प्रेस कर देना है ताकि कोई एयर पॉकेट्स ना रहे। और ये दोस्तों बहुत ही जल्दी लग जाती है इसकी कटिंग, तो आप ऐसे इसकी कटिंग लगा सकते हैं और इसकी कटिंग कभी भी लगाई जा सकती है। तो आप नहीं, आपके पास अगर ना हो तो आप अपने पड़ोसियों के यहाँ से या नर्सरी से लेके आइए और लगा लीजिए। एक प्लांट से ढेर प्लांट बन जाते हैं जेट प्लांट के, और बहुत ईजिली कटिंग लग जाती है। और जैसा चाहे सेब भी दे सकते हैं आप इसको, टोपियारी भी जेट प्लांट की बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छे अच्छे बन जाती हैं और ईजिली बन जाती है, जैसा मोड़ उसको वैसा मोड़ जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत और गुड लक प्लांट बोलते हैं इसको। तो हम इसको ऐसे लगा देते हैं, और देखिए सॉफ्ट कटिंग भी इसकी लग जाती है और हार्डवुड भी कटिंग थोड़ा सा लग जाती है, बहुत ईजिली कटिंग लग जाती है। और तो हमें इसको ऐसे सारी कटिंग मैं इसी में लगा लूँगी, बहुत सारी कटिंग है, तो इतनी सारी कटिंग तो मैं नहीं लगाऊँगी, थोड़ी ही लगाऊँगी दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट जेट प्लांट हो गए हैं मेरे पास, तो इतने तो गमले भी नहीं रहते हैं और प्लांट भी लगाने पड़ते हैं, इसलिए ये देखिए। तो हम बस इसको ऐसे ही लगा लेंगे और इसको छाया में रखना है दोस्तों, और इसकी मिट्टी थोड़ा मॉइस्ट ही रहे तो ज़्यादा सही रहता है, सूखे ना, मॉइस्ट रहनी चाहिए मिट्टी और ज़्यादा पानी भी नहीं भरना चाहिए। तो बस इसको ऐसे ही सारी कटिंग मैंने इसी में लगा दी है, और देखिए छोटी सी कटिंग भी लग जाएगी, तो ये भी ऐसी लग जाती है। और मैंने बहुत सारी कटिंग्स ऐसे ही जेट प्लांट की लगाई हैं, और थोड़ा सा पानी दे देना है, तो मैंने ऐसे पानी दे दिया है देखिए। तो बस दोस्तों इसकी कटिंग बहुत जल्दी से ईजिली लग जाती है दोस्तों, तो आप इसकी कटिंग लगाइए और खूबसूरत सी टॉपियारी भी बनाइए, और बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जेट प्लांट की कटिंग है, तो इसलिए इसको लगा सकते हैं आप, बहुत सारी कटिंग निकल जाती है तो लगा सकते हैं इसको। और मैं आपको जेट प्लांट की अपनी टॉपियारी दिखाती हूँ जो मैंने बनाई है, ये देख सकते हैं कुछ ये जेट प्लांट की ये ट्री, मैंने ट्री टाइप्स इसका लुक दिया है, तो ये देख सकते हैं कितना नीचे से इसका ट्रंक मोटा टाइप मोटा हो गया है। और ये भी देखिए
कैसा लग रहा है तो बताइए। और बहुत सारी यहाँ पे कटिंग्स रखी हुई हैं जेट प्लांट की, और यहाँ पे भी ये बहुत सारी देखिए कटिंग्स निकली थी छोटी छोटी, मैंने लगा दी हैं। और ये कुछ इस तरह से है, तो आप इसको इजीली लगा सकते हैं दोस्तों। और जेट प्लांट की आप कटिंग लगाइए, बहुत ही अच्छा प्लांट रहता है, इजी टू ग्रो प्लांट है, और ज़्यादा मेंटेन भी इसको नहीं करना पड़ता है, कोई खाद पानी भी नहीं देना है, बस कभी कभी मिलीबग्स लग जाते हैं तो इसको हाथ से भी हटा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगते, थोड़ा बहुत लग जाते हैं तो हाथ से हटा दीजिए और आप भी ग्रो कीजिए, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो, तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं, बाय। हैप्पी दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग, बाय।